तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हिंसा का दौर जारी है। तालिबान की हिंसा के कारण अफगानी नागरिक देश छोड़कर जा रहे हैं। इस बीच काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी समूह ISIS ने आत्मघाती हमला किया। इस हमले के बाद तालिबान और ISIS आमने सामने हैं। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता जानकारी दी थी कि एयरपोर्ट के बाहर ISIS के आतंकी कभी भी हमला कर सकते हैं। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन ISIS के खुरसान मॉड्यूल ने ली है। इस हमले में कम से कम 90 लोगों की मौत हुई है, इनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि मारे जाने वाले और घायलों में अमेरिकी सैनिक भी हैं। इस बीच सभी विदेशी दूतावासों ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि अफगानिस्तान की धरती से इस्लामिक स्टेट का सफाया कर दिया गया है। तालिबान ने तो साफ साफ कहा था कि वह इस्लामिक स्टेट को अपने देश में पांव पसारने की अनुमति नहीं देगा। जानकारी के मुताबिक ISIS ने कल के हमले से यह संदेश देने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की धरती पर वह अब भी एक बड़ी ताकत है। इसके चलते अब अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS के बीच नई लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ISIS चिढ़ा हुआ था। इस आतंकी समूह ने तालिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान भी चलाया था। अपने पोस्ट के जरिए ISIS तालिबान की लगातार बुराई कर रहा है। तालिबान के सरकार बनाने से पहले ही अफगानिस्तान में आतंकवाद शुरू हो गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।